50 करोड़ रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्जीवाड़े में जिस लेडी ठगी इंदौर पुलिस तलाश कर रही थी वह हैदराबाद की नाइट होटल में मिली। पुलिस ने जब होटल में दबिश दी तो मोनिका से मोना बनी लेडी ठग बुरखे में बैठी थी। चेहरे से जब नकाब हटाया तो भाई ने पहचान की कि यही मोनिका है। पुलिस उसे अरेस्ट कर इंदौर ले आई है। दरअसल मार्च में बिजलपुर के रहने वाले देवेश नामक व्यक्ति की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। ठगी का मास्टरमाइंड अतुल नेतन राम फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी प्लेटिनम ग्लोबल के नाम से कंपनी संचालित करता था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग फर्जी सर्वर बनाकर ट्रेडिंग करवाते थे। उनके अकाउंट में कई गुना ज्यादा डॉलर या विदेशी करेंसी दिखाते थे, लेकिन जब वे लोग राशि निकालने जाते तो उसे ब्लॉक का मैसेज दिखाते। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चेतन, सोनिया, हरदीप और मोनिका के पति अनिल बिष्ट को पहले ही गिरफ्तार किया था। अभी भी अतुल नेतन राम, पारुल सहित अन्य आरोपी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। पहले मोनिका विजयनगर थाने के पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग निकली थी। मामले में कार्रवाई करने वाली टीम को कुछ वक्त पहले सूचना मिली थी कि मोनिका मुख्य आरोपी अतुल के पास दुबई पहुंच गई है, लेकिन वह हैदराबाद से मिली है। मोनिका से पूछताछ में बताया कि वह कंप्यूटर ऑपरेट करती थी। इसके बदले उसे गिफ्ट के तौर पर फॉरेन ट्रिप के साथ ही ठगी के पैसे में हिस्सा दिया जाता था। पुलिस ने उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। उसे जल्द जांच के लिए भेजा जाएगा। एक हमारे यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले मामले में 400 से 409 420 का प्रकरण पंजीबद्ध था। उस प्रकरण में हमारे द्वारा एक फरार आरोपी मोनिका बिष्ट को पकड़ा गया है। ये हैदराबाद में कहीं अपना फरारी काट रही थी, जिनका आने की सूचना हमें मिली थी तो हमने उनको गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा उन पर 10,000 का इनाम है। आरोपिया के पति भी इसमें अनिल बिष्ट आरोपी थे, जिनको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। और एक और आरोपी जो अतुल है नितन हम, वो कहीं बाहर विदेश भग जाने की उनकी सूचना प्राप्त हुई, उनका लुकआउट नोटिस जारी किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है।